पवित्र माघ सप्तमी अवसर में भुवनेश्वर खंडगिरी रे आरंभ होई प्रसिद्ध कुंभ मेला सेठारे बहु साधु संत एकत्र होई पूजार्चना करुछन्ते। कोणार्कर चंद्रभागारे बुड़ पकाई साधु संत माने खंडगिरी रे पहुंचिबा परे पहाड़ रे पूजा पाउथिबा अधिष्ठात्री देवी माँ बारभुजंक शक्तिपीठ चलचंचल होई उठिछि। यज्ञ वेदी रे साधु संत माने अग्नि स्थापन करिबा परे सूर्य को आवाहन पूर्वक होमयज्ञ आरंभ होई पहाड़ तले धार्मिक विधि विधान सह पूजार्चना चली। 9 दिन व्यापी एही मेला रे रामचरित मानस पाठ और विश्व शांति महायज्ञ करा जाउछि। मेला रे ओडिसा सह दिल्ली मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमबंग आदि राज्यरु साधु संत माने जोग दैछन्ति। ये तो प्राचीन जगह है और यहाँ साधु संत तपस्या करते रहे हैं, हमारे पूर्वज करते रहे हैं, तो उनके पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल करके साधु संत यहाँ अपना धूना लगाते हैं, धूना लगाते हैं, तपस्या करते हैं, तो यहाँ लोग आते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, उनका भला होता है, माता की कृपा होती है। भोले बाबा यहाँ लिंगराज महाराज हैं, उनकी कृपा होती है, सब कृपा हो जाती है, तभी तो लोग आते हैं, यहाँ मेला लगता है, कुछ ना कुछ तो बात है, तभी यहाँ लोग आता है, नहीं अगर कुछ नहीं होता तो क्यों आता। कुछ साधुओं का, कुछ माता का, कुछ पिता का, सब कुछ मिक्सर होकर सब हो जाता भला, हर हर महादेव हो जाती है। कुंभ मेलार सुपरिचालना पाई बीएमसी पक्षर व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। डाक्तरी दल और अग्निशम बाहिनी को सजग रखा जायछि। गहली नियंत्रण पाई खंडगिरी ओवरब्रिज निकटर गाड़ी चलाचल को सुव्यवस्थित करा जायछि। चोरी छिंताई और राहजानी आदि रोकिबा पाई पुलिस पक्षर नियंत्रण कक्ष खोला जायछि। खंडगिरी पादेश में विराट मेला चली। मेला सांग को मीना बजार हजार हजार दर्शक और श्रद्धा भिड़ जमाई। मनोरंजन पाई 6 पैंडल रे यात्रा आरंभ होगा। 11 पार्टी पर्यायक्रमे यात्रा परिवेशन करेंगे।